वेलकम बैक। खबर शामिल कर लेते हैं। बलूचिस्तान असेंबली में खुशकसाली की वजह से बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार देने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई है। रुकने सुबाई असेंबली सना बलोच की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया। सना बलोच का कहना था कि बलोचिस्तान खुशसाली से शदीद मुतासिर है, जिसकी वजह से सूबा मुश्किलात का शिकार है। कुदरती आफात को रोकने के लिए इकदाम करने होंगे। इन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों के बाद सबको पता चलेगा कि बलोचिस्तान में क्या होगा। बलोचिस्तान में वक्फे वक्फे से खुशसाली आई है। अवाम अपनी मदद आपके तहत खुशसाली से निमट रहे हैं। बाद अजाम बलोचिस्तान असम्बली का इजलास गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। डीजीएमए ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को, कमिश्नर साहबान को नोटिसेस जारी किए और उसके बाद जवाब आया है। बिलखसूस एमएपी के खारान के साथ खारान की रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा हुआ है कि 90% जो खारान की आबादी है वो ट्राउट से मुतासिर है। छागी का मेरे सामने है, नोशकी का मेरे सामने है, केच का मेरे सामने है, लेकिन इसके बावजूद ये बात हुकूमत की तरफ से इस फोरम पर आनी चाहिए कि बलूचिस्तान में खुशसाली के बायस बीमारियों में इजाफा हुआ है। जब खुशसाली होती है तो बीमारियों में इजाफा होता है। बलोचिस्तान वैसे ही 66% मेल न्यूट्रिशन, यानी 66% बलोचिस्तान में लोग वैसे ही अगर खुशसाली ना हो तो गजाई किल्लत का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। जब खुशसाली होती है तो गजाई किल्लत इससे आगे बढ़ जाती है। अब बलोचिस्तान में गजाई किल्लत 80 से 90% बढ़ गई है। कुछ बात कर लेते हैं सरगरम ग्रोह के हवाले से। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलने वालों को लूटने वाला ग्रोह सरगरम हो गया। कराची में लोगों को लूटने वाला ग्रोह फाल हो गया है। एक खातून 3 मर्दों पर मुश्तमिल ग्रोह ने चंद दिनों में दर्जनों वारदातें कर डाली। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलने वालों को लूटने वाला ग्रोह सरगरम हो गया। कराची में लोगों को लूटने वाला ग्रोह फाल हो गया है। एक खातून 3 मर्दों पर मुश्तमिल ग्रोह ने चंद दिनों में दर्जनों वारदातें कर डाली। मुलजिमान कराची के जिला बस्ती में सरगरम हैं। डकैत ग्रोह की चंद दिनों में दर्जनों वारदातें सामने आ गई हैं। मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। मुलजिमान आयशा मंजिल, ताहिर बला, चौरंगी और दीगर इलाकों में वारदातें कर चुके हैं। फुटेज में मुबैना मुलजिमान को बैंक में देखा जा सकता है। लुटेरे बैंक में बिल जमा कराने और खाते खुलवाने के बहाने आते हैं, जिसके बाद रकम निकलवाने वाले शहरियों का ताक़ुब करके अपने साथियों के जरिए लूट मार करते हैं। कुछ बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। नैब की वजह से वुज़रा और अफसरान परेशान हैं और खौफजदा भी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। नैब की वजह से वुज़रा और अफसरान परेशान और खौफजदा है। नवाब शाह मेंशाई से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था की वो पहले भी आवाम की खातिर जेल काट चुके हैं। अगर रोजगार देना गुनाह है तो ये गुनाह करते रहेंगे, जेल जाने से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि जेल भी ईमानदारी से काटी जाती है। आसिफ अली जरदारी ने शिकवा किया कि नवाब शाह में बहुत काम किए लेकिन वोट बहुत कम मिले, जबकि ठट्टा में बराए नाम तरक्याती काम हुए लेकिन वहां एमएनए को 1,80,000 वोट मिले। सिंध में गुंडा राज है। पीटीआई ने फरसूदा सियासत का खात्मा किया। आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की है और अब भी करेंगे। कुछ बात कर लेते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत करार दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत करार दिया है। वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन के बाद वजीर खारजा ने ट्वीट में कहा कि हिमालय से ऊंची समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन को कामयाब करार दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम की क्यादत में चीन से वापसी पर पुरतमाद हैं। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ शंघाई में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में अज़म का इजहार किया कि सरमायाकारी के रास्ते में हाल सब रुकावटें दूर करेंगे। हुनरमंद पाकिस्तानियों और सरमाए को पाकिस्तान वापस लाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलाया जा सके। डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यौम शहदा कश्मीर पर अपने बयान में कहा है कि भारतीय फौज जबर से शहदा की सियासी जिद्दोजहद को नहीं दबा सकती। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यौम शहदा कश्मीर पर अपने बयान में कहा कि भारतीय फौज जबर से शहदा की सियासी जिद्दोजहद नहीं दबा सकती। 4 नवम्बर 1947 में महाराजा हरी सिंह के हामियों, भारतीय फौज और हिंदू इंतहा पसंदों ने
हिजरत करने वाले हजारों अफराद पर मजालिम किया और उन्हें शहीद कर दिया था। कंट्रोल लाइन के दोनों जाने पर दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदा जम्मू मना रहे हैं। इस दिन के मनाने का मकसद हक के खुद इरादियत के लिए शहदा की कुर्बानियों को याद करना है। खबर शामिल करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास तलब किया। वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात, तीनों मुसल्ला फौज के सरबराहान, DGMO, वफाकी वज़रा काउंसिल मेंबरान और सेक्रेटरी खारजा समेत दीगर सीनियर हुकाम शरीक है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क में अमन अमान और खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल समेत CPAC मंसूबों की सिक्योरिटी के मामलों पर भी गौर किया गया, जबकि पाक अफगान सरहदी सूरत हाल और अफगान मसालती अमल से मुतालिक उमूर भी ज़ेरे गौर रहे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इजलास के शुरका को दौरे चीन से मुतालिक आगाह करते हुए चीनी सदर और रूसी वज़ीर आज़म से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद से मुतालिक सीनियर हुक्काम ने ब्रीफिंग भी दी। माजी में कराची वालों को वक्त का पाबंद बनाने वाले घंटा घर को आज भी इस शहर के हुसन का हिस्सा समझा जाता है। बेशतर घड़ियाल अब खराब हो चुके हैं और उनके टावर्स की मरम्मत जरूरी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एमेजिना रोड पर KMC बिल्डिंग का घंटा घर आज भी तवज्जो का हामिल है। चार मंजिलों पर मुश्तमिल मशीनरी से लैस ये घंटा घर 1930 में कायम किया गया और इसकी घंटियां आज भी बजती हैं। इसका 10 फीट का डाया ऐसा बनाया गया कि चारों जानिब से देखा जा सकता है। रिंछोड़ लाइन में भी एक क्लॉक टावर कायम है जिसको पोना भाई क्लॉक टावर कहते हैं। एम्प्रेस मार्केट का टावर 1889 में तामीर हुआ। ये इमारत खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। 140 फीट का क्लॉक टावर देखने वालों को मुतासर करता है। उन तारीखी वर्षों की देखभाल बल्दिया उज़्मा कराची की जिम्मेदारी है। खानादर में कायम जाफर टावर जो अब मेमन बरादरी के अस्पताल की हदूद में आता है, बुलंद कद के साथ अपनी असल हालत में आज भी मौजूद है। तहम इसकी घड़ी की सुइयाँ साख्त हो चुकी हैं। उनके अलावा लियारी की ली मार्केट, हाकिम अली अलवी रोड पर कायम ट्रेनी चर्च और किमाड़ी में वाक़ क्लॉक टावर भी तारीखी एतबार से अहमियत के हामिल और शहर कायद की पुरानी यादें ताज़ा करते नजर आते हैं। खेल के मैदान से भी खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कौमी खेल में कामयाबियां ख्वाब बन गई। वर्ल्ड कप करीब आ गया मगर फेडरेशन के पास कैंप लगाने की रकम मौजूद ही नहीं। कौमी खेल में कामयाबियां ख्वाब बन गई। वर्ल्ड कप करीब आ गया मगर फेडरेशन के पास कैंप लगाने की रकम नहीं है। वर्ल्ड कप हॉकी सर पर आ गया मगर फेडरेशन का अकाउंट खाली है और कैंप लगाने के लिए वसाइल नहीं है। फेडरेशन को 8 करोड़ रुपए दरकार हैं, जिसके लिए सेक्रेटरी PHF शहबाज सीनियर ने हुकूमत को खत लिख दिया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत से बराए रास्त रकम मांगने की वजह वक्त की कमी है। वर्ल्ड कप में टीम ना गई तो बदनामी और जुर्माना होगा। 7 रोज में फंड्स मिलना बहुत जरूरी है। शहबाज सीनियर ने वाज़ेह किया कि मोहम्मद सकलैन और मैनेजर हसन सरदार तनाजे पर कमेटी बनाई जाएगी। सेक्रेटरी PHF ने बताया कि तौकी डार और दानिश कलीम की टीम मैनेजमेंट में शमूलियत का ऐलान 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। इसके साथ ही OPTV के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV।